हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब लोग? तो मैं ईद का कुछ स्पेशल आइटम आज बनाई हूँ ईद के लिए। राइस और थोड़ा सैलड, और मेरा मेन आइटम जो है ना चिकन का रोस्टेड चिकन का कीमा मैं बनाई हूँ, पहली बार बनाई हूँ। लेकिन ना बहुत ही अच्छा और टेस्टी बना है। मैं बनाई हूँ इसलिए नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअल में टेस्ट बनाए, क्योंकि मुझे ना एक शौक है क्या ना, थोड़ा रिसर्च करना खाने में। हमेशा कुछ नया का नया मैं रिसर्च करती रहती हूँ, और उसमें कुछ मेरा अलग सा मसाला मैं डालती हूँ, और इस टाइम भी मैं वो ही ट्राई की हूँ, एक अलग सा मसाला मैं ट्राई की हूँ। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा, आप देखिए, घर में ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़्यादा ईजी रेसिपी है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा, ठीक है ना। थोड़ा गरम गरम खाने का मजा कुछ और होता है। ठीक है, आप वीडियो देखिए, फिर आपसे बात करती हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं रोस्टेड चिकन कीमा मसाला बनाने के लिए क्या क्या मैं सामान ली हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले तो मैं चिकन को ना छोटा छोटा टुकड़ा में नाइफ की हेल्प से काट ली हूँ, ज़्यादा छोटा कीमा नहीं बनाई हूँ। उसके बाद ना थोड़ा धनिया पत्ता और थोड़ा लहसुन और थोड़ा सा अदरक और दो टमाटर बड़ा बड़ा और दो मिर्च, आपको जितना टमाटर चाहिए आप डाल सकते हैं। उसके बाद ना प्याज को क्यूब्स में काट ली हूँ। उसके बाद मैं चिली फ्लेक्स ली हूँ, थोड़ा सोया सॉस ली हूँ, और गरम मसाला, जैसे कि खड़ा मसाला में आपको जो जो चाहिए और खड़ा मसाला में जो मसाला रहता है मैं वही वाला डाली हूँ, और थोड़ा नींबू ली हूँ, और नमक टेस्ट के लिए, और दही भी ली हूँ। और देखिए थोड़ा प्याज ना, एक बड़ा वाला प्याज को मैं ऐसे स्लाइस में काट के रखी हूँ, जो मैं मसाला के लिए, ग्रेवी बनाने के लिए। तो पहले क्या करते हैं देखते हैं। पहले ना मैं चिकन को ऐसे छोटा छोटा कीमा बनाने के बाद उसमें ना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, और उसमें थोड़ा सोया सॉस जाएगा। उसके बाद ना मैं उसको थोड़ा मिक्स कर लूँगी, थोड़ा जैसे सोया सॉस और सॉल्ट चिकन में अंदर चला जाए। और उसके ऊपर ना थोड़ा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, आपको जितना चाहिए वो डाल सकते हो, और घर का बना हुआ भी आप डाल सकते हो। और थोड़ा मैं नींबू डाली हूँ, और उसके बाद ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी, ठीक है। चलिए अभी ग्रेवी का मसाला बनाते हैं। ग्रेवी मसाला बनाने के लिए मैं कुछ मसाले का ग्राइंड करूँगी। तो पहले मैं ना क्यूब्स में काटा हुआ थोड़ा प्याज ली हूँ, थोड़ा अदरक और लहसुन ली हूँ, चिकन के हिसाब से मसाला प्रिपेयर कीजिएगा। और धनिया पत्ता, प्याज, टमाटर और ग्रीन चिली सब डाल के ना मैं उसको पेस्ट बना दूँगी। उसके बाद ना थोड़ा जो गर्म मसाला बनाने के लिए मैं थोड़ा रखी थी खड़ा मसाला, उसको मैं थोड़ा ऐसे ही थोड़ा धीमी आँच में गर्म कर रही हूँ। उसके बाद ना मैं उधर ही डाल दूंगी, और सबको मिला के ना एक फाइन पेस्ट बना लूंगी। आप चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, मैं एक साथ बना रही हूँ टाइम कंज्यूम के लिए। उसके बाद ना मैं एक प्यान बिठा दी हूँ, प्यान में ना तेल गरम कर दी, और जो चिकन को ना मैरिनेट करके रखी थी उसको सारे का सारा डाल देती हूँ। उसके बाद ना थोड़ा हमको चलाना है कुछ देर के लिए, बस चिकन तो आपको पता है बहुत जल्दी टेंडर बन जाता है, तो उसके हिसाब से ना हम उसको थोड़ा फ्राई बना लेंगे। इधर हमारा चिकन जितना जल्दी फ्राई बन जाएगा उतने टाइम तक मैं ना इधर थोड़ा पेस्ट बना ली थी, तो मेरा ना पेस्ट बन गया है। चलिए हम फिर ग्रेवी बनाते हैं। उसके लिए मैं पैन बैठा दी हूँ, पैन गरम होने के बाद ना उसमें मैं घी डाल रही हूँ, और घी का फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है घी में, और मैं थोड़ा तेल डाल रही हूँ। इसमें ना रेसिपी में थोड़ा ज़्यादा ऑयल रहता है, तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाली हूँ मैं। उसके बाद ना मैं थोड़ा हल्दी और थोड़ा रेड चिली डाली हूँ, बहुत ही कम, बस कलर के लिए, अच्छा रहता है कलर। उसके बाद मैं प्याज डाल दूँगी, स्लाइस करके काटी थी बड़ा वाला। आपको अगर मसाला का क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा मसाला प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए अब तो प्याज अच्छे से भून ली हूँ। उसके बाद ना मैं जो मसाला प्रिपेयर करके रखी थी उसमें डाल दी हूँ। मसाला का खुशबू ना बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि उसमें ना सब के सब खड़ा मसाला गया है, तो बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। उसमें ना गरम मसाला डालने का बाद में कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। उसके बाद मैं टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा जितना डाल रही हूँ, मतलब मसाला के हिसाब से नमक डाल रही हूँ। उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए मसाला पर अच्छे से तेल निकल जाए, उतने टाइम तक मसाला को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ना मैं क्या करूँगी,
थोड़ा हल्दी और रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर सब डाल के मसाला का हिसाब से आप डालिएगा, और डाल के ना उसको ऐसे ही चलाऊंगी जैसे ही मसाला तेल छोड़ दे। मसाला होने के बाद मैं उसमें ना दही डाल दूंगी। दही का ना टेस्ट थोड़ा अलग लगता है, आप चाहो तो दही स्किप भी कर सकते हो, मुझे थोड़ा खट्टा पसंद है इसीलिए मैं दही डाल दी। दही डालने के बाद जो चिकन को मैं रखी थी रोस्ट करके उसको डाल दूंगी, और उसके बाद ना थोड़ी देर के लिए चलाऊंगी जैसे चिकन और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं उसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी जैसे अच्छे से मसाला और चिकन प्रिपेयर हो जाए। उसके बाद बार बार मैं चेक करूंगी तेल निकल रहा है कि नहीं। 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही मैं चला लूंगी। फाइनल में मैं उसमें पानी ऐड कर रही हूँ, आप जितना चाहो उतना पानी दे सकते हो, मैं राइस के साथ खाऊंगी तो इसीलिए थोड़ा पानी ज़्यादा दे रही हूँ, और आप चाहो तो बिना पानी का भी ऐसे रोस्टेड वाला आप खा सकते हो, चटपटा भी लगेगा। और देखिए पानी ऐसा बॉयल हो रहा है और चिकन भी हमारा हो गया है, थोड़ी देर के लिए ना ऐसे खुला छोड़ दूंगी। देखिए तो हमारा प्रिपेयर हो गया रोस्टेड चिकन किम्मा मसाला, देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आया है। आप चाहो तो उसके ऊपर धनिया पत्ता डाल के सर्व कर सकते हो। वीडियो आप लोग देखे ना कैसा लगा, आपको वीडियो पसंद आया ना? अगर आपको वीडियो पसंद आया, आज का रेसिपी आपको पसंद आया, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं और अच्छा अच्छा रेसिपी आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर पाऊँ। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हो सके तो जो मेरे चैनल में नए आ रहे हैं सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है ना? सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, बहुत ही इजी है, ठीक है? मैं जल्दी खा रही हूँ, खाने में कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है? फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड Stay tuned and keep watching my channel. Odia bloggers, Sushri Chayan. Bye bye.